पिता से मिली प्रेरणा के बाद आज एक महिला प्रोफेसर गरीब एवं निर्धन बच्चियों के शिक्षा दीक्षा के साथ शादी का भी पूरा खर्च वहन कर रही हैं। महिला प्रोफेसर का नाम क्रांति मिश्रा है, जो कि अभी तक करीब 30 बच्चियों के हाथ पीले करा चुकी हैं। इसके अलावा करीब 50 बच्चियों की शिक्षा दीक्षा का कार्यभार खुद संभाल रही है। प्रोफेसर क्रांति मिश्रा सतना जिले के शासकीय शहीद पद्मधर सिंह महाविद्यालय में पदस्थ हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन छात्र जीवन को समर्पित किया है। बेटियों की शिक्षा दीक्षा के अलावा क्रांति मिश्रा करीब 1500 पौधरोपण भी कर चुकी हैं। वह अपने कुशल नेतृत्व की वजह से कई सामाजिक संगठनों में पदाधिकारी पद पर भी पदस्थ हैं। प्रोफेसर क्रांति मिश्रा समाज में शिक्षक के रूप में एक अनोखी मिसाल हैं। प्रोफेसर क्रांति मिश्रा की माने तो उन्हें इस कार्य की प्रेरणा अपने पिता स्वर्गीय दयाशंकर जी से प्राप्त हुई थी, कि उनके पिता एक जमींदार हुआ करते थे और वह अक्सर ग्रामीणों के सुख दुख में हर संभव मदद करते थे। ऐसे में उनसे प्रेरणा लेकर वह बचपन से ही प्रेरित हुई और इसी बात से प्रेरित होकर क्रांति मिश्रा आज गरीब एवं निर्धन बच्चियों की सेवा कर रही हैं। प्रोफेसर क्रांति मिश्रा को बेटियां माँ और माई कहकर पुकारती हैं। मैम से मैं कम से कम 5 से 6 साल से जुड़ी हुई हूँ और जो मेरी नीड की ज़रूरत की बोलें तो मैं तो शब्द ही नहीं मेरे पास कहने के लिए कि उनके लिए मैं क्या बोलूँ। मतलब कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है चीज़ की, मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंसली हो, वो हर तरह से मेरी सपोर्ट करती हैं। और जब मैं मैम से मिली तो मुझे एक जैसे बोले गुरु के रूप में एक माँ का प्यार उन्होंने दिया। मैं तो माँ को गुरु माँ कह के बुलाती हूँ क्योंकि वो मुझे गुरु की तरह मार्गदर्शन देती हैं, एक माँ की तरह प्यार देती हैं, एक मित्र की तरह साथ देती हैं। मुझे इनसे इतनी ऊर्जा मिलती है कि मैं थक कर भी कुछ बेहतर करने का सोचती हूँ। हम सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम मैम को माई कहकर बुलाते हैं और मैम का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहता है। अगर कॉलेज में भी कहें तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैम का है हम सभी लड़कियों के लिए। और जैसे आर्थिक तंगी हो गई और पढ़ाई से रिलेटेड पूरी मदद करती हैं, सबसे पहले मैम ही आगे आती हैं। हमारे अलावा जैसे और भी सभी बहनें सभी की मदद करती हैं, सारी नीड्स पूरी करती हैं। जब भी कभी हमें अर्जेंट होता है, हम अगर फ़ोन भी कर देते ना तो भी वो हमारी मदद के लिए तैयार रहती किसी भी टाइम। मैं MA इंग्लिश लिटरेचर सेकेंड सेम चल रहा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और जब भी मुझे जैसे कहीं भी किसी भी तरीके से पढ़ाई के अलावा भी जरूरत पड़ती है, जैसे बुक्स लेनी है या पेपर से संबंधित कोई जानकारी लेनी है, इन सब में मैम सबसे पहले होती हैं हमारी मदद करने के लिए। फिर मैं माँ जी जैसा भी करना चाहूँगी और उनसे और भी सीख लेकर और भी बेहतर करना चाहूँगी। मैं महाराजपुर ग्राम को बिलोंग करती हूँ और मेरे पिताजी दयाशंकर राजौरिया जमींदार थे और वो गरीबों की सेवा करते थे। 18 वर्ष वो सरपंच रहे। छोटे थे हम लोग इस तरह से देखते रहते थे, तो उसी से धीरे धीरे देखते देखते ऐसे लगे कि सबकी हमें सहायता करना चाहिए। सर नहीं रहते तो सर कहते थे क्रांति तुम क्लास ले लो, तुम्हें क्लास ले ली थी। हाँ, मुझे एक मोमेंट याद है कि मेरे यहाँ एक बुआ थी, उनके मतलब उनके आय के साधन कुछ नहीं थे, तो उनकी जो लड़कियाँ थी तो मुझे बहुत मनती थी कि दीदी हमें पढ़ना है, ऐसा करना है, और पढ़ाती नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। बेटियों को ले गए तो बहुत विसंगतियाँ हैं, लेकिन फिर भी आज के समय बेटियाँ पढ़ रही हैं तो समस्याएँ तो आज भी बेटियों के साथ हैं। भले कितनी शासन नीतियाँ बना लें, योजनाएँ चला दें, लेकिन बेटियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं तो सेटल हो गई हूँ, लेकिन कुछ बेटियाँ और मेरी सेटल हो जाती तो मुझे अच्छा लगता है। और कई लड़कियों को मैं पढ़ा भी रही हूँ और मेरा उद्देश्य है कि निस्वार्थ सेवा करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी अगर पढ़ जाए तो मुझे खुशी होगी। कितनी बच्चियों के अभी तक आप हाथ पीले करा चुके हैं? 30 की करा चुकी हैं। हर वर्ष मेरा 2 का उद्देश्य रहता है, 2 को कराने का। मतलब बेटियों को पढ़ाने के लिए जो आपने बीड़ा उठाया शादी का, तो ये आप खुद करती हैं या किसी और से? मैं खुद करती हूँ, किसी से नहीं मांगती। आज तक मैंने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। अभी तक हम लोगों ने कम से कम 1500-2000 पेड़ लगाए, जिसमें मतलब 1500 पेड़ जिंदा है। जब ये लोग माँ कहते तो मुझे लगता है कि मैं इन लोगों के लिए क्या कर दूँ। सतना से न्यूज 18 के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट।